अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इन माय प्रीवियस वीडियो मैंने आप लोगों को थैंक यू राइट ब्रदर्स की एक्सप्लेनेशन समझाई थी और क्वेश्चन आंसर्स मैंने आप लोगों को करने के लिए दिए थे। आई होप आप लोगों ने वर्ड्स मीनिंग, वर्ड्स अपोजिट और क्वेश्चन आंसर्स तक काम कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम टेक्स्ट बुक की आगे की वर्किंग स्टार्ट करेंगे। उसके लिए आपको आना है एट पेज नंबर 35। पेज नंबर 35 पे आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा वर्ड्स स्मिथ में है कंपाउंड वर्ड्स। कंपाउंड का मतलब होता है दो वर्ड्स को मिलाना, किसी भी चीज़ को मिलाना। तो कंपाउंड वर्ड्स का मीनिंग है कि दो वर्ड्स को मिला देना। बिजनेसमैन में भी आप देख सकते हो कि एक वर्ड है बिजनेस और दूसरा है मैन, इनको जब हमने कंबाइन किया है तो ये बन गया है बिजनेसमैन। कार्डबोर्ड एंड ओवरटर्निंग आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड। अ कंपाउंड वर्ड इज़ फॉर्म व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू मेक अ न्यू वर्ड। यानी कंपाउंड वर्ड तब बनते हैं जब हम दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स को एक साथ मिलाकर एक नया वर्ड बना दें, उसे हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एग्जाम्पल्स, आप देख सकते हो स्नो प्लस बॉल, यानी ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं स्नो और बॉल, इसको जब हमने कंबाइन किया तो ये बन गया स्नो बॉल। इसी तरह रेल रोड, अप स्ट्रीम, तो ये बन गया अप स्ट्रीम। स्ट्रॉबेरी, तो ये बन गया स्ट्रॉबेरी, यानी जो हम फ्रूट खाते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी वर्किंग पर। इस चैप्टर में मैं कुछ डिफरेंट तरीके से आप लोगों को वर्किंग दे रही हूँ, वो क्या है वो मैं आपको समझा रही हूँ। कुछ वर्किंग मैंने की है और कुछ वर्किंग मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रही हूँ ताकि आप लोगों को ईजीली करना आ सके। फर्स्ट आपकी एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ए, सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स इन ईच सेंटेंसेज। यानी इन सेंटेंसेस में जो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनको आपको क्या करना है, सिंपली सर्कल करना है। द गर्ल्स वर प्लेइंग थ्रो बॉल एट द पार्क। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने सर्कल किया है थ्रो बॉल को, क्योंकि यहाँ पर दो वर्ड्स कंबाइन हुए हैं थ्रो और बॉल, इन दोनों को कंबाइन करके एक न्यू वर्ड बन गया तो ये बन जाएगा कंपाउंड वर्ड। तो थ्रो बॉल कंपाउंड वर्ड है। इसी तरह बलून्स, यानी बलून्स बॉल और ऊन्स, ये दो अलग अलग वर्ड्स हैं, इनको जब मैंने मिलाया तो ये बलून्स बन गया। दो मैंने आपको करके दिए हैं और ये 3, 4, 5 जो है यहाँ पे मैंने होमवर्क मेंशन किया है, तो ये तीनों आपको होमवर्क में घर से करना है। देन एक्सरसाइज बी पर आ जाए, सर्कल द कंपाउंड वर्ड्स। ये आप लोग खुद करेंगे। ये एक बोर्ड बना हुआ है जिसमें आपको कुछ वर्ड्स नज़र आ रहे होंगे, इन वर्ड्स में से जो है जो जो कंपाउंड वर्ड्स हैं उनको आपको सर्कल करना है। सन ग्लासेस, ग्लास डोर, बटर, व्हील चेयर, अब जो जो इसमें कंपाउंड वर्ड्स हैं इसमें आपको उनको सर्कल करना है। नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज नंबर 36। पेज नंबर 36 पे अब है वर्ब्स। वर्ब्स आपको पता है, वर्ब्स हम कहते हैं किसी भी एक्शन को, जो भी हम एक्शन करते हैं वो हमारा वर्ब कहलाता है। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, जैसे प्लेइंग, वॉकिंग, ईटिंग, स्विमिंग, ये सारे हमारे एक्शंस हैं, तो दीज आर कॉल्ड वर्ब्स। दे टेल अस अबाउट द एक्शन डैट इज़ टेकिंग प्लेस। वर्ब फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी वर्ब जो है हमारे सेंटेंस का एक मेन पार्ट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स आर, वर्ब्स की एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, वॉक यानी भागना, चलना, जॉग करना यानी जॉगिंग करना, रीड पढ़ना, स्लीप सोना, बी करना, वर्क काम एक्सेट्रा, बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। अब यहाँ पर एक्सरसाइज ए आपको मैं समझा रही हूँ, इसमें आपको सिंपली क्या करना है, इसमें आपको वर्ब्स पे यानी एक्शंस पे आपको अंडरलाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है, उसकी पिक्चर भी यहाँ पर है, माय मदर मेक्स डिलीशियस फूड, यानी मेरी अम्मी मज़ेदार खाना बना रही हैं, तो इसमें वर्ब क्या होगा, बनाना, मेक्स, तो मैंने मेक्स पे अंडरलाइन कर दिया है। नंबर टू, माय फादर वर्क्स इन अ हॉस्पिटल, मेरे फादर मेरे अब्बू हॉस्पिटल में काम करते हैं, और यहाँ पे एक्शन क्या है उनका, काम, तो वर्क्स। द डॉग इज़ चेजिंग मी, यानी डॉग मेरा पीछा कर रहा है, यानी डॉग क्या काम कर रहा है, क्या इसमें वर्ब हो रहा है, चेजिंग, तो चेजिंग पे मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसी तरह फोर वाला भी मैंने किया है और इसी तरह फाइव वाला भी मैंने किया है। फाइव में आप देख सकते हैं दो मैंने अंडरलाइन किए हैं क्योंकि इसमें दो वर्ब्स हैं। आई क्लीन द गार्डन, यानी मैंने गार्डन साफ किया, साफ करना एक्शन। वैन द ट्रीज शेड देयर लीव्स, जब दरख्तों के पत्ते गिरे, तो गिरना, शेड मतलब गिरना, तो ये भी एक्शन है, तो यहाँ पे दो वर्ब्स हैं, मैंने दोनों पे अंडरलाइन कर दिया है। 6, 7, 8, 9, 10, इन
फाइव सेंटेंसेस में से आपको वर्ब खुद पिकआउट करने हैं और उन पे सर्कल करना है। मैंने यहाँ पे जो है वो अंडरलाइन कर दिया है, कोई मसला नहीं है, आप चाहें तो उसको सर्कल भी कर सकते हैं। नाउ टर्निंग टू द नेक्स्ट पेज, अब यहाँ पर वर्ब्स की कुछ अलग अलग किस्में होती हैं, वो क्या है। यहाँ पर दो तरह के आपको बुक में वर्ब्स दिए हुए हैं, एक है रेगुलर और दूसरा है इरेगुलर वर्ब्स। दो तरीके के वर्ब्स हैं, वर्ब्स कैन बी रेगुलर और इरेगुलर। इन रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स में क्या होता है, वी एड ई डी व्हेन रेफरिंग टू द वर्ब्स पास्ट फॉर्म, यानी जब हम किसी भी वर्ब को पास्ट में चेंज करते हैं तो हम सिंपल क्या करते हैं, उस वर्ब के आगे ई डी लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दिया हुआ है रेगुलर वर्ब वॉक, उसके आगे मैंने वॉक के आगे ई डी लगा दिया तो ये रेगुलर वर्ब बन गया, वॉक्ड, ई डी लगा दिया उसके आगे। यानी रेगुलर वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम ई डी लगा के उनको पास्ट में चेंज कर सकते हैं। बट इरेगुलर वर्ब्स आर वर्ब्स विच डू नॉट फॉलो दिस पैटर्न, यानी इरेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके आगे हम ई डी नहीं लगा सकते, वो बिल्कुल टोटल चेंज हो जाते हैं। कैसे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है ड्रिंक, ये पूरा चेंज हो गया ड्रैंक, पास्ट में जब हम इसको चेंज करेंगे तो ये बन जाएगा ड्रैंक। सी देखना, सॉ देखा, हर्ट दर्द हर्ट, यानी हर्ट हर्ट ही रहता है। कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कभी चेंज नहीं होते, कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो बिल्कुल चेंज हो जाते हैं, और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनके आगे हम सिर्फ ई डी लगा के उनको चेंज करते हैं। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज बी पर, इसमें आपको क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स जो नज़र आ रहे हैं ये सारे वर्ब्स हैं, ये आप देख सकते हो ये सारे एक्शन वर्ड्स हैं यानी वर्ब्स हैं, इनको आपको सही फॉर्म इनकी आपको जो है वो डैश में पुट करनी है। तो लूज की पास्ट फॉर्म हो जाएगी लॉस्ट, यानी आपको इसको किस में चेंज करना है, पास्ट में। बाय की बॉट, ब्रिंग की ब्राउट, आदिल ब्राउट हिज न्यू गेम टू माय हाउस, यानी आदिल मेरे घर पर अपना नया गेम लेकर आया। मीट यानी मिलना, और वी डैश द न्यू फुटबॉल कोच, यानी हम अपने नए फुटबॉल कोच से मिले, तो ये हो जाएगा मैट। गो, ये पूरा चेंज हो गया वेंट, ये आप देख सकते हो ये अभी जितने भी मैंने आप लोगों को समझाए हैं ये सारे इरेगुलर वर्ब्स चल रहे हैं। मुझे कैसे पता चला कि ये इरेगुलर है, क्योंकि इनके आगे ईडी नहीं लगा हुआ, ये बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, तो ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। अनाप डैश द कैट, यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रैकेट में कैच, अब हमें इसको पास्ट में चेंज करना है तो हम यहाँ लिख देंगे कॉट, क्योंकि कैच की पास्ट फॉर्म जो है वो हो जाती है कॉट। द लिटिल बॉय डैश हिज बलून टाइटली, यानी छोटे बच्चे ने अपना गुब्बारा जो है वो सख्ती से पकड़ा हुआ है। होल्ड, होल्ड को हम पास्ट फॉर्म में हेल्ड भी कहते हैं और होल्डेड भी कहते हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर 8 तक आपको करके दिया है, अब आपको 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ये आपको खुद करने हैं। सिंपली आपको यहाँ से वर्ब्स देखने हैं जैसे मैंने देखे हैं और इसको चेंज करते जाना है, बस कुछ भी नहीं करना। नेक्स्ट पेज, एक्सरसाइज सी आपको नज़र आ रही होगी, यहाँ पर यूज ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ब्स इन अ सेंटेंस, यानी आपको यहाँ पर दो वर्ब्स दिए हुए हैं, ग्रो यानी बढ़ना और ग्रीव बढ़ा। एक है ग्रो जो है प्रेजेंट फॉर्म दी हुई है यानी फर्स्ट फॉर्म है, और ये जो है ग्रो की सेकेंड फॉर्म है ग्रीव। तो इन दोनों को आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, एक सेंटेंस आपको ग्रो का बनाना है और एक सेंटेंस आपको ग्रीव के साथ बनाना है। एक्सरसाइज डी, राइट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन ब्लो, यहाँ पे प्रेजेंट फॉर्म्स दी हुई है, इसमें इसको आपको पास्ट फॉर्म्स में चेंज करना है। प्रेजेंट फॉर्म में आपको फर्स्ट है बिकम, ये हो गया बिकेम, अवेक बन गया अवोक, ब्लो ब्लू, ब्लो मतलब फुलाना, अवेक मतलब जगाना, बिकम ड्रिंक पीना, ड्रैंक पिया, नो जानना, ईट खाना, टियर फाड़ना, राइट लिखना,
स्विम, तैरना, फाइट, लड़ना। अब यहाँ पे 4 मैंने आपको बना दी हैं, बाकी 5 to 10 आप लोग होमवर्क में खुद बनाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज की वर्किंग मैं यहीं तक आप लोगों को दे रही हूँ। यहाँ तक की वर्किंग आपको डन करनी है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आगे की वर्किंग समझाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।